हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश गोयल, सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको किडनी प्रॉब्लम है, बल्कि जिनको किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क है, जिनको किडनी अभी थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हुई है, या जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और किडनीज़ को आगे कैसे हेल्दी रखा जाए। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेल्दी डाइट लेना एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर हम हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट जैसी बीमारियां नहीं रहेंगी, और ऑब्वियसली इन बीमारियों से रिलेटेड किडनी बीमारियां होती हैं, और डायरेक्टली भी अगर किसी का वेट ज़्यादा होता है उससे भी किडनी बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। किसी को अगर डायबिटीज़ है या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, तो उसको और अभी किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसको शुगर अगर वो कंट्रोल रखेगा मेडिसिन या इंसुलिन के द्वारा या दोनों के द्वारा, तो किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क कम रहेगा। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी अगर कंट्रोल रहेगा तो किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क कम रहेगा। और अगर किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम आ गई है, तब भी उसको शुगर और बीपी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किडनी प्रॉब्लम कम से कम बढ़े। ऐसे ही स्मोकिंग भी किडनीज़ के लिए हार्मफुल है। टोबैको या किसी भी फॉर्म में टोबैको इनटेक, स्पेशली स्मोकिंग, हार्ट को, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और किडनीज़ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, तो स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ लिक्विड लेना। अगर हम लिक्विड मात्रा कम लेते हैं तो स्टोन्स बनने की क्षमता और यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना का रिस्क ज़्यादा रहता है, और इसकी वजह से भी किडनी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए हमें एनफ अमाउंट ऑफ लिक्विड लेना चाहिए ताकि कम से कम 1 से 1.5 लीटर यूरिन होना चाहिए। स्पेशली जिनको ऑलरेडी स्टोन्स बनने की रिस्क रहता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए ताकि उनका यूरिन वॉल्यूम 2 से 3 लीटर तक होए। पेन किलर्स बहुत कॉमनली ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, और ऐसे ही कुछ और मेडिसिन होती हैं जो कि किडनी हार्मफुल होती हैं, तो हमें अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। और स्पेशली जिनको थोड़ी बहुत किडनी प्रॉब्लम होती है और वो अगर किडनी हार्मफुल मेडिसिन ले लेते हैं, तो किडनी प्रॉब्लम एकदम से बढ़ने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। लास्ट पॉइंट है, कुछ लोग जिनको किडनी बीमारी होने का रिस्क रहता है, उन लोगों में हमें फ्रिक्वेंटली किडनी का चेकअप करते रहना चाहिए। वो लोग हैं जैसे जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीस हैं, या जिनके घर में किसी को किडनी बीमारी है, जैसे कि मदर फादर या ब्रदर सिस्टर्स में, क्योंकि कुछ बीमारियां किडनी की ऐसी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो इन केसेस में हमें किडनी का चेकअप रेगुलर करते रहना चाहिए। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स जो किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। ये पॉइंट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी को किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है, या किडनी प्रॉब्लम होने का बहुत हाई रिस्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हमेशा याद रखें और अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखें। थैंक यू।